बंदर तेरा मामा, बिल्ली तेरी मौसी, कुत्ता तेरा यार, आम का अचार, लौड़ा का सरकार। वेलकम दोस्तों। हाँ तो थोड़ी बैकग्राउंड चेंज है क्योंकि स्टूडियो का ऐसी काम नहीं कर रहा और कोविड की सिचुएशन में किसी को ठीक करने बुला भी नहीं रहे, तो अलमारियों के साथ एडजस्ट कर लो। और उधर वीडियो बनाते बनाते मेरे कहाँ कहाँ से पसीने निकले मैं बता भी नहीं सकता। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ टिकटॉक के बारे में। जी हाँ, टिकटॉक वापिस आ चुका है। टिकटॉक प्लेटफॉर्म नहीं वापिस आया, लेकिन टिकटॉक वापिस आ चुका है, समझ रहे हो यार। जब टिकटॉक बैन हुआ था ना, मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी। वो खुशी इस वजह से हुई थी कि जितना भी गंदा माल है ना, जितने भी क्रिंज लोग और क्रिंज कंटेंट वो बनाते थे ना, वो बंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स और इनसे सबसे ऊपर है इंस्टाग्राम रील्स, जिन पे इन लोगों ने दोबारा से हगना स्टार्ट कर दिया। भाइयों और उनकी बहनों, मैं सही में बता रहा हूँ, जिस दिन ये रील्स लॉन्च हुआ था ना, तो मैंने सोचा चलो यार स्क्रॉल करते, थोड़ा एंटरटेन होते, देखते लोग क्या वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले वीडियो आई, हेलो गाइस, आई एम सनी लियोनी, मैं कहना चाहता हूँ। और भाई तू क्या कहना चाहता है यार, तू हर वीडियो में कुछ ना कुछ कहना चाहता है। तू एक काम कर, तू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला, मोदी जी के साथ बैठ और वहां पे आकर हक दे, जो हकना है जो बोलना बोल। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते और वीडियो करते स्टार्ट। गल तो टोकांगी तेरे मेरे रिश्ते नजर ना, रिश्ते नजर ना। इस वीडियो का एक ही कंक्लूजन मेरे दिमाग में आ रहा है कि इस बंदे ने बत्ती बनाई और उसके मुंह में दे दी। ओ पागल हो गया, तेरी उम्र देख साले, जाके कॉम्प्लेन पी, जाके एंडियोरा मास पी, तू सिगरेटे फूक रहा, फिटर मुक्त रह, जुत्ती गुदे मेरी जान, तू मेरे राज कह रहा है सुदा सी रात। कोई सेंस है इस बात की? ये लोग इंस्टा पे आके खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, साले अपनी ऑडियंस को क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है कि एक लौंडा फंसाओ लंबे बालों वाला, जो कि आधा लौंडा लगता है आधी लौंडी लगती है, उसके साथ पहले सारे रास्ते पे कुची कुची करो, बाद में कार पे लेके जाओ, कार में उसके साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलो। लॉजिक लॉजिक। जिन मर्दों की छाती पे बाल होते हैं और ज्यादा तादाद में बाल होते हैं, ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग दिल के साफ होते हैं और ईमानदार होते हैं, कभी किसी को धोखा नहीं देते। ये लोग ईमानदारी का कमाते हैं और ईमानदारी का ही खाते हैं। ये लोग थोड़ा रोमांटिक भी होते हैं। इनके हिसाब से जितने भी लौंडों ने ना खेती की हुई है ना, सिर्फ वही ब्रह्मांड का भला कर सकते हैं, वही सबसे अच्छे लौंडे और रोमांटिक लौंडे होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, हमारे जैसे तो चूतिए बैठे हैं। और भाई साहब मैं सही में एक बात बताऊं, इतनी खेती रख के ना कोई भी लड़की इंप्रेस नहीं होती, लड़की सिर्फ एक ही जगह पे बाल होने से इंप्रेस होती है। अबे सालों मूंछों और दाढ़ी की बात की है, अश्लील साले। अगली वीडियो ला। मतलब इस बंदे ने अपनी 70,000 की मोटरसाइकिल को खुद ही आग लगा दी क्योंकि पुलिस ने इसका चालान काटा। ओ भाई मारो, मुझे मारो। मतलब लोगों को पैसे की कदर ही नहीं है यार, बंदा फ्यूचर में इन्वेस्ट कर लेता है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। उसने मुझे बुरे वक्त में छोड़ दिया था और अब उसका कॉल आया, कहता है कहाँ पर हो? मैंने कहा मैं तो बाहर आ गई। कहता है कहाँ पर? मैंने कहा तेरी औकात से। निब्बी जी, अगर इसके बाद एक भी वीडियो आपने बनाई ना, तो उसका तो पता नहीं, लेकिन आप अपने घर और स्कूल से दोनों से बाहर हो जाओगे। अभी इसको पेन भी नहीं लगे यार स्कूल में, ये क्यों? मैं शादी के बाद अगर अपनी बीवी के साथ अकेले में भी ये करूंगा ना, तो मेरे घर वाले और रिश्तेदार मिलके ना संस्कार की पीपनी बजानी शुरू कर देंगे, ये साले खुले में ही लगे हुए और फिटे मुंह जुत्ती कितने मेरी पर। अगली वीडियो देखने से पहले आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, ये वाली वीडियो देख के आपके घुटने में एड्स हो सकता है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वीडियो देखें। जान दे सकता है? तेरे लिए कौन जान देगा, देखना चाहेगा? लॉजिक किसको बोलूं मैं, लॉजिक कहाँ है? दीदी ने 6-7 बॉयफ्रेंड्स भी बनाने हैं, दीदी ने नया बॉयफ्रेंड भी बनाना है, दीदी ने बॉयफ्रेंड्स की जान भी लेनी है, दीदी ने बॉयफ्रेंड्स को टेस्ट भी करना है, फिर दीदी बॉयफ्रेंड के मरने के बाद रोने का नाटक भी करती है, ऐसे कैसे चलेगा दीदी, कैसे चलेगा? हाथू दुनिया में कितने
कितनी है नफरतें। हाँ बात तो सही है, 6 बार दिन में हिलाएगा तो नफरत ही होगी। फिर भी दिलों में है चाहते। देखो अंकल ऐसी बात है, दुनिया में हर इंसान को अपना दुख और नुनू बड़ा ही लगता है, और आपकी उम्र है आस्था चैनल देखने का, आप कहाँ आस्था के बारे में सोच सोच के लगे पड़े हो। कल को अगर हमारे बीच झगड़ा हो गया तो तुम मेरे जैसा प्यार किसी और लड़के को कर पाओगी? हाँ। अरे सुन के तो जाओ, किससे? हमारे बेटे से। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इवन चाहते हो आप स्मोकिंग की हैबिट अपनी छोड़ दो, जब भी आप स्मोक करने लगो ना, ये 50 रुपए का नोट अपने वॉलेट से निकाल के फाड़ के फेंक दो, दैट्स इट। 300 रुपए के अंदर आपकी आदत छूट जाएगी। तेरे को शर्म शर्म है कि नहीं? फिर के मैं बूटा गाला करता है, मतलब जिस बंदे ने अपनी सिगरेट छोड़नी हो वो अपने पैसे फाड़ दे, मतलब मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं अपने पापा के पास जाऊँ, पापा 500 रुपए देना मेरे को नोट फाड़ना है, उन्होंने मेरी फाड़ देनी है। मेरे को एक बात समझाइए, साले प्लूटो का लॉजिक है, जो नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं या जो संस्थाएं बनी हुई हैं जो नशा छुड़ाने में हेल्प करती है, वो क्या करें? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? एक होता था निर्मल बाबा, लोग अपनी प्रॉब्लम्स उसको बताते थे, वो अजीब अजीब सॉल्यूशंस बता के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता था। ये निर्मल बाबा लाइट, ये भी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है बेहद ही टट्टी सॉल्यूशंस बता के। कल मैंने इसकी एक वीडियो देखी, ये कहता अगर आपके शरीर में कहीं पे भी दाना हो गया या कोई पिंपल है तो उसको कैसे हम एक दिन में खत्म कर सकते हैं, एक टूथपेस्ट लो उसको उस जगह पे लगा लो, रात भर खत्म। ओ मेरी टोही में दाना, मैं उस पे पेस्ट लगाता हूं। इससे मुंह धो साला, मुंह नहीं हीरा निकलेगा, इससे गला धो हीरा निकलेगा, इससे पेट धो लो हीरा निकलेगा, शुक्र है इससे नीचे नहीं गया। डायमंड वालों का आधा काम तो तुमने खराब कर दिया, पता नहीं शरीर के कौन कौन से हिस्सों में से हीरे निकाल रहा है, फिटे मुंह तेरा। बाथरूम में छिपकली दीवार पर चढ़ी, बाथरूम में छिपकली दीवार पर चढ़ी, ही इज द ओनली एग्जाम्पल ऑफ पापा की परी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना नोटिफिकेशंस के लिए। ले जा तू पहले मोटरसाइकिल ले जा, वीडियो बन रही मेरी माई हो। और इस वीडियो में मैं एम बिल्कुल नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने एम रखा था तो तुमने मेरी बहुत गंदी मारी है, इतनी बेस्ट थी मेरी आज तक दी हुई सालों आ तू।